शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए आई एम ग्रेटफुल। कोई स्ट्रेस या एंजाइटी है इन्हें? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई मीन नॉट दैट आई नो ऑफ। लेकिन इनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है। डॉक्टर साहब एक्चुअली अभी इसने नया नया बिजनेस शुरू किया है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, शायद ये वजह हो। मैं इन्हें बचपन से जानता हूं, लेकिन ये प्रेशर लेने वालों में से है तो नहीं? जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, अभी बिजनेस में नया है तो शायद एनीवेज, मैंने इनको जो मेडिसिन लिख कर दे दी है वो इनको वक्त पे दे दीजिएगा। इंशाल्लाह बेड रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आऊँगा मेडिसिन एंड आई विल सी यू ऑफ। आइए। थैंक यू। भाई, ये क्या आप हर वक्त अपने फोन में घुसे रहते हैं? कुछ नहीं, बस एक ईमेल है जो बॉस ने मांगी है, इसलिए। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं थैंक यू, मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई को देते ना, उनका थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। उसका दिमाग पहले ही काफी खुला हुआ है और फिर भी आप उन्हें ब्रेन वॉश करती रहती हैं। निम्मी कम ऑन भाई, मजाक कर रहे थे। आप क्या सिर्फ वयन से बात कर सकते हैं? हम नहीं मजाक कर सकते। ओके अब मैं मम्मी को चाय का पूछ के आती हूँ। आओ बैठो। वैसे निमी ठीक कह रही थी, ये तुम और सलमान हर वक्त क्या बातें करते रहते? अरे निमी तो पागल है, ऐसे ही बोलती रहती है। देखो मैं बता रहा हूं ना, सलमान के मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। आप मेरी नियत पे शक कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारी नियत पे शक नहीं है, बल्कि तुम्हारी अकल पे शक है। क्या मतलब? मतलब ये कि सलमान जितना जमीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बुरा बना देगा। मेरा भाई है ना, मैं जानता हूं उसे। आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं हो। फिर भी तुम उससे दूर रहो। वो है कहाँ जो दूर रहूं? कहाँ है? देखो ताहिर, अचानक ऐसा कौन सा स्ट्रेस हो गया कि आपकी तो नींद ही उड़ गई? कनाडा वाला मामला कोई कम है? कनाडा वाला मामला क्या है? बचपन से फोटोग्राफी करना चाहता था, कनाडा से डिपोर्ट होकर आया और वो बात हमसे छुपाई उसने। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है, बंद करो उसका फोन, कोई नहीं मिलने आएगा। मुझे किसी के हाथ पैर काटने के डरावे मत दें। जो बात मैं फोन पे बता चुका हूं ना, वही बात मैं सामने बैठकर कर रहा हूं। ना मैंने सितारा को बुलाया था, ना वो मुझसे मिलने आई थी। सितारा तुमसे मिलने नहीं गई थी तो फिर कहां गई थी? यही तो मैं पूछने आ रहा हूं, जब मंगनी मुझसे की है तो सालार से क्यों मुलाकातें कर रही है? सालार से? उससे मिलने? बस कर दे मामू, मैं कल खुद सालार से मिलकर आया, उसने खुद साफ कहा है कि सितारा उसे मिलने आई थी। और उसने ये भी कहा है मुझसे, मैं ये मंगनी तोड़ दूं वरना वो किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। सलमान भाई, सितारा ऐसा कर ही नहीं सकती, वो नफरत करती है उससे, उन्होंने खुद रिश्ता तोड़ा है। यही तो बात है, शादी नहीं करनी लेकिन मुलाकातें करनी है।
मामू ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी मेरी बने और बस। सलमान, सितारा से शादी तुम्हारी जिद थी, हमने तुम्हारी ख्वाहिश को अहमियत दी, लेकिन अब तुम ज्यादती कर रहे हो। जैसे शादी करीब आ रही है तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? पूछे उसे क्यों सलार ने नाम लिया उसका, क्यों कहा उसने कि ये दोनों। वो झूठ बोल रहा सलमान भाई। वो झूठ नहीं बोलता। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? हाँ, क्योंकि आप लोग डरते हैं, वो किसी से भी नहीं डरता, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। और मुझे अपनी जान और इज्जत बहुत प्यारी है मामू। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उससे नहीं डरते। मैं उससे मुकाबला करने से नहीं डरता, लेकिन ना डरने का मतलब ये नहीं है शादी के नाम पर आस्तीन में सांप पाल लूं। सलमान भाई मेरी बात सुने, रुकें यार, क्या कर रहे हैं? सालार कह रहा था कि तुम उससे मिलने गई थी। क्या हो गया, देख क्या रही हो? तुम उससे मिलने गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। सुन लिया, कुछ नहीं किया उसने। सालार झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन झूठ तो ये भी नहीं बोलती। अबे यार मुझे क्या, मैं अपने टारगेट पे फोकस रहूं बस। ये भरोसा जो है ना, उस दिन के लिए संभाल कर रखो जब सालार आके कबूल करवाएगा। तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपने ये अल्फाज याद रखना। याद है, यही अल्फाज रहेंगे उस वक्त के।